जी हाँ दोस्तों, आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए आए और उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक तो जड़ाई और साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास भी अपने नाम कर लिया। और वहीं हम आपको दिखा दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने आज के इस मुकाबले में कैसे ताबड़तोड़ छक्के और चौके जड़कर साउथ अफ्रीका की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा डाले, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन में से कौन है एक खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ के फैन हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज तीसरा T20 मुकाबला जारी है और इस मुकाबले की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका की टीम के एक बार फिर से टॉस जीतने के साथ। तो वहीं दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी का फैसला लेगी और साउथ अफ्रीका ने भी बिल्कुल यही करा। दरअसल साउथ अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर से गेंदबाजी ली, लेकिन दोस्तों इस बार साउथ अफ्रीका की टीम को गलत साबित करते हुए भारतीय टीम के 2 युवा खिलाड़ियों ने बता दिया कि आखिरकार वो क्या दमखम रखते हैं साउथ अफ्रीका जैसी टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने के लिए। दरअसल दोस्तों ये नाम है ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का, क्योंकि यहाँ पर जब ये दोनों ही बल्लेबाज भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे थे तो यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ ने जहाँ आते से ही अपना आक्रामक रवैया दिखाना शुरू कर दिया तो वहीं ईशान किशन भी उनको देखने के बाद कहीं चुप रहने वाले थे। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि पावर प्ले के भीतर ही दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली थी और इस दौरान ना तो ईशान किशन थमने का नाम ले रहे थे और ना ही ऋतुराज गायकवाड़, और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसाने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला ओवर तो थोड़ा फीका सा ही रहा, लेकिन दूसरे ओवर में एक चौका आया और तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 12 रन ठोक डाले और फिर जब 5वें ओवर में वो बल्लेबाजी के लिए आए तो उन्होंने एनरिक नॉर्किया के पहले ही ओवर में 5 चौके लगातार जड़कर पूरे मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एनरिक नॉर्किया की शुरुआती 5 गेंदों पर चौके जड़ डाले, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ से और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और गायकवाड़ ने आज के इस मुकाबले में बस मात्र ईशान किशन के साथ मिलकर 28 गेंदों में ही पहले तो अर्धशतकीय साझेदारी को पूरा किया और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने 50 रन का आंकड़ा बस मात्र 29 गेंदों में ही पूरा कर इतिहास रच डाला। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन यही नहीं रुका, उन्होंने अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और ऋतुराज गायकवाड़ जिस प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं उन्होंने आज वही काम कर दिखाया। और वहीं हम आपको बता दें कि आज साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के सामने सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के मामले में ऋतुराज गायकवाड़ ने ये कीर्तिमान भी अपने नाम किया और ऋतुराज गायकवाड़ भारत के ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एनरिक नॉर्किया की 5 गेंदों पर 5 चौके जड़ डाले हों। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला आज खूब चला और ऋतुराज की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने के बाद पूरा भारत देश भी खुश हो गया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है ऋतुराज गायकवाड़ की आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने के बाद, और आप उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।